अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में हमने ये देखा कि किस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी डेटा फाइल के अंदर कोई एरर्स हैं। तो ये था डेटा स्क्रीनिंग एंड क्लीनिंग का स्टेप नंबर 1, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह कैटेगोरिकल और कंटीन्यूअस वेरिएबल्स के ये पता किया जा सकता है कि क्या कोई उनके अंदर एरर है। अब स्टेप 2 ये है कि एरर आ गई है, उस एरर को नंबर 1 देखेंगे कि किस पर्टिकुलर केस में वो एरर है और उस एरर को रिमूव कैसे किया जाता है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि एरर को एग्जैक्टली ढूंढना कहाँ पे है। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये हमारी फाइल है, इस फाइल में हम जाएंगे डेटा व्यू में और उसके बाद हम जाएंगे सॉर्ट केसेस में और उस वेरिएबल को हम ले जाएंगे सॉर्ट बाय में। और यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। मैं डिसेंडिंग को क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और अब आप डेटा व्यू में जाएंगे जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो वेरिएबल जेंडर है वो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। और अब आप ये देखिए कि सबसे पहले ये जो एरर वाली फाइल्स हैं या एरर वाले केसेस हैं वो ऊपर आ जाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। ये 4 और 3, ये आप देख सकते हैं कि 4 हमारा कोई ऐसा जेंडर में नहीं था नंबर, हमारे 1 और 2 थे, 1 for male और 2 for female। 4 हमें नज़र आ रहा है और इसी तरह हमें 3 नज़र आ रहा है। तो इससे हमें ये नज़र आ गया कि हमारा क्वेश्चनियर नंबर 102 और 67 में हमसे कोई गलती हुई है डेटा एंट्री करते वक्त। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जाकर देखें कि ओरिजिनल हमारा जो क्वेश्चनियर था उसमें ये जेंडर क्या थी और उसके बाद यहाँ पर हम करेक्शन कर दें। इस तरह से हमारी जो फाइंडिंग है कि हमारे केस या आईडी नंबर 102 और 67, ये दो हमारे ऐसे प्रॉब्लमेटिक एंट्रीज निकल आई हैं जिनके अंदर इशू है और इस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। और देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि पूरी डेटा फाइल को अब आप देखेंगे, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो जो एरर वाली चीज़ें होंगी वो शुरू में आ जाएंगी। और अब दूसरा तरीका है हमारे पास जिसमें हम केसेस की समरीज भी देख सकते हैं। उसके लिए हम जाएंगे एनालाइज में, रिपोर्ट्स में, केस समरीज में। यहाँ पर जो वेरिएबल आप देखना चाहते हैं उस वेरिएबल को आप एंटर कर दें। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर दें, वापस कंटिन्यू करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, सब हेडिंग्स ऑफ द टोटल्स को अनचेक कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे और लिमिट केस टू फर्स्ट 100 को भी आप अनचेक कर देंगे और अब आप ओके कर देंगे। तो अब ये देखिए कि हमारे पास ये केस समरी आ गई, चूँकि एक ही वेरिएबल था तो हमें नज़र आ गया कि ये 1 और 2 जो हमारा पर्टिकुलर बन रहा है ये दो इश्यूज हैं। और इस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो ये केस समरीज आपको नज़र आ गई हैं जिसको आप आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। और ये याद रहे कि आपने ऐसा अमल डेटा एनालिसिस करने से पहले करना है ताकि आपका जितना भी डेटा हो वो क्लीन हो जाए। और ये सारे के सारे वेरिएबल्स आपने इस तरह चेक करने हैं। मैंने तो 2 वेरिएबल्स की एग्जांपल ली है, जेंडर और एज की। तो आपने सारे वेरिएबल्स को एक दफ़ा चेक करना है ताकि कोई और मसला तो नहीं। जब आप ये चेक कर लें और इनको रिमूव कर लें तो एक दफ़ा फिर आपने वो फ्रीक्वेंसी वाला प्रोसेस चेक करना है जिसमें आपने एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी और यहाँ से आपने जिन वेरिएबल को यहाँ पर सिलेक्ट करना है उनको सिलेक्ट करके और आपने दोबारा से एक दफ़ा मिनिमम और मैक्सिमम चेक कर लेना है।
ये हो सकता है कि कभी-कभी हम डेटा को क्लीन कर रहे हो तो उस दौरान भी हमसे कोई गलती हो जाए। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।